नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। 10 दिवसीय गणेश उत्सव का शुक्रवार को समापन हो गया। जी हाँ, आपको बता दें, जगह जगह पर गणेश जी की सुंदर प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए काफी बड़े जुलूस निकाले गए, जहां पर लोग काफी मात्रा में एकत्रित होकर बड़ी ही धूमधाम से गणेश जी को विदाई देते हुए भी नजर आए। आपको बता दें, घरों और पंडालों में गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमाओं की पूजन पाठ कर बड़े ही विधि विधान से उनका विसर्जन किया गया, जिसके साथ ही ढोल बाजे और बड़ी ही खुशी के साथ लोगों ने गणपति बप्पा को विदाई दी। शहर में हरवल पार्क पर बने कृत्रिम कुंड में छोटी और बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। बड़ी प्रतिमाओं का क्रेन में रखकर कुंड में विसर्जन किया गया। इसके साथ ही हरवल पार्क पर राजस्व, नगर पालिका स्टाफ और पुलिस जवान तैनात रहे और नर्मदा नदी के सिठानी घाट, पर्यटन पोरी घाट सहित अन्य घाटों पर नदी में प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगी रही, जिसके लिए सभी घाटों पर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे। हरवल पार्क में भी काफी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। हालांकि शुक्रवार रात को सिठानी घाट पर कुछ श्रद्धालुओं ने प्रशासन से विसर्जन को लेकर बहस भी की थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद विसर्जन की क्रियाविधि पूर्ण हो गई थी। ताजा खबरों के लिए बने रहें डीवी न्यूज में।